एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमालिका डीआईवाई। आई एम निहारिका, आई एम हियर विद यू ए न्यू प्लांटर। टुडे आई एम मेकिंग ब्यूटीफुल चिकन प्लांटर, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम वेस्ट प्लास्टिक का कंटेनर ले रहे हैं। अब वॉल पुट्टी और पानी की हेल्प से वॉल पुट्टी का डो बनाएंगे। वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाया जाता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस कंटेनर पर वॉल पुट्टी के डो की शीट बना करके लगा देंगे और पानी की हेल्प से चिपका लेंगे। फिर से शीट लगाएंगे और इस कंटेनर को कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद कंप्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। एक गोल शेप बनाएंगे और उसको रख देंगे। अब हम यहाँ पर वॉल पुट्टी का थोड़ा सा डो लेकर के चिकन की एनाटॉमी पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा डो लगाएंगे और शेप देने की कोशिश करेंगे। वॉल पुट्टी का डो आप सेकेंड लेयर तभी लगाएं जब पहली लेयर सूख जाए। अब हम यहाँ पर चिकन की कॉम, बी, वेटर और टेल पर काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने इसकी कॉम बनाने के लिए टीयर ड्रॉप शेप में डो को बनाया है। इसी तरीके से बीक को भी मैंने टीयर ड्रॉप शेप में बनाया है। यहाँ टेल को इस तरीके से शेप दिया है। शेप देने के बाद इसको कंटेनर के बैक साइड में लगा देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा तभी हम आगे इस पर और डो लगाएंगे और इस पर काम करेंगे। तभी हम धीरे धीरे फाइनल शेप दे पाएंगे। थोड़ा थोड़ा डो लगा करके शेप देते जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा डो लगा रही हूँ। फिर उसको हम कम्प्लीटली ड्राई होने देते हैं, फिर से डो लगाते हैं और शेप इसी तरीके से देते जाते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा डो लगा करके उसको शेप दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये शेप आ गई है। अब पानी की हेल्प से डो को लगाएंगे और ये जो हमने बॉल शेप में बनाया था हेड, इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। पेस्ट होने के बाद इसको हमने ड्राई होने के लिए रख दिया था। तो ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब हम इसकी सैंडिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बीक, पेटल और कॉम बनाए थे उन सभी को वॉल पुट्टी के गाढ़े पेस्ट से यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए बीक लग चुकी है, विटल भी लग चुकी है। यहाँ पर हम आईज लगा रहे हैं। ये जो हमने बॉल्स बनाई थी आईज की, यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। नीचे की साइड भी हम डिटेलिंग कर रहे हैं और अब हम इसको कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके का आएगा और अब हम इस पर ब्लैक कलर कर रहे हैं। तो ब्लैक कलर हम यहाँ पर ब्लैक एक्रिलिक कलर का यूज़ कर रहे हैं। इसकी बीक के लिए हम यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रहे हैं और कॉम के लिए हम यहाँ पर रेड कलर का यूज कर रहे हैं। आईज पर हमने ब्लैक कलर किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ टेल, बेटस, आईज, बीक सब कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर व्हाइट कलर से कुछ डिटेलिंग कर देंगे जिससे कि हमारा जो चिकन या आप कह सकते हैं कि जो हमारी बर्ड है वो ब्यूटीफुल दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स,
आपको ये प्लांटर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैंने वॉल पुट्टी से ही काफ़ी सारे क्राफ्ट बनाए हुए हैं, जैसे मैंने प्लांटर बनाए हुए हैं और पांडा प्लांटर बनाया हुआ है, फिश प्लांटर बनाया हुआ है, मॉन्की प्लांटर बनाया हुआ है। तो आप इन सभी की वीडियो देख सकते हैं, मैंने इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।